नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर से। लखनऊ में किसानों की आज बड़ी बैठक, और वहीं आपको बता दें इंदिरा नगर के सेंट्रल एकेडमी में ये होगी बैठक, और तमाम किसान सेंट्रल एकेडमी में होगी ये जमा। और वहीं आपको बता दें 11 बजे से सेंट्रल एकेडमी में शुरू होगी बैठक, किसानों की समस्या को लेकर की जाएगी ये बैठक। और वहीं लंबे समय से चल रहा है किसान आंदोलन, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर यूपी के मुजफ्फरनगर में कुछ दिन एक दो दिन पहले महापंचायत हुई थी और उससे पहले, और वहीं आपको बता दें अभी हरियाणा में करनाल के पास किसानों का आंदोलन जारी है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ में किसानों की आज बड़ी बैठक है, और जिसमें कई किसान नेता इंदिरा नगर के सेंट्रल एकेडमी में ये बैठक होगी और कई बड़े नेता यहाँ पे मौजूद होंगे। और वहीं तमाम किसान सेंट्रल एकेडमी में होंगे जमा। और वहीं आपको बता दें करीब 11 बजे से सेंट्रल एकेडमी में शुरू होगी ये बैठक। इसके अलावा आपको बता दें लंबे समय से किसानों का कृषि बिल को लेकर आंदोलन जारी है, और किसानों की समस्या को लेकर ये बैठक की जाएगी, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर चर्चा की जाएगी। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हादसे के आरोपी चालक को दी गई है नौकरी। और वहीं आपको बता दें बिना वेरिफिकेशन के अफसरों ने दी नौकरी, और वहीं महानगर बस सेवा में चालक को दी गई है नौकरी, घूस लेकर अफसरों पर नौकरी देने का आरोप लगा है, और कोर्ट ने नौकरी में ना रखने का दिया था आदेश। और 2009 में हादसे में एक शख्स की हुई थी मौत, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर घूस का मामला सामने आया, घूस लेकर एक आरोपी को नौकरी दी गई। और वही आपको बता दें कोर्ट ने नौकरी में ना रखने का आदेश भी जारी किया था। 2009 में हादसे में एक शख्स की हुई थी मौत, और वही आपको बता दें हादसे के आरोपी चालक को नौकरी दे दी गई है। और वही आपको बता दें बिना वेरिफिकेशन के अफसरों ने दी है नौकरी, और वहीं आपको बता दें अफसरों पर घूस लेने का आरोप लगा है, महानगर बस सेवा में चालक को दी गई नौकरी, और वहीं अफसरों पर घूस लेने का आरोप लगा है, और घूस लेकर अफसरों पर नौकरी देने का आरोप लगा। ऐसे वही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी सरकार के निशाने पर वेस्ट यूपी के किसान। और वही आपको बता दें पश्चिमांचल के 14 जिलों में नलकूप पर मीटर, बिजली की खपत मापने के लिए नलकूप पर मीटर। और वही किसानों को डर मीटर से बिल वसूलेगी सरकार, और अब तक फिक्स दरों से होती है बिल वसूली, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर किसानों को डर है कि मीटर से बिल वसूलेगी सरकार। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अब तक फिक्स दरों से होती है बिल वसूली, जिसको लेकर अब यूपी सरकार के निशाने पर वेस्ट यूपी के किसान है, जहां पर आपको बता दें पश्चिम मांचल के 14 जिलों में नलकूप पर मीटर, बिजली की खपत मापने के लिए नलकूप पर मीटर लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह ब्रिक्स सम्मेलन को सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, और भारत साल 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, और इस बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित रहेंगे। और बैठक में अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। और चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति जिनपिंग सम्मेलन में हिस्सा लेंगे,
और इस बार शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु अंतर ब्रिक्स निरंतरता, एकजुटता और सहमति के लिए सहयोग है। और पीएमओ ने बताया कि अपनी अध्यक्षता में भारत ने चार प्राथमिक क्षेत्रों का खाका तैयार किया है और इन चार क्षेत्रों में बहुस्तरीय प्रणाली, आतंक विरोध, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और प्रौद्योगिकी उपायों को अपनाना, औपचारिक लोगों के बीच मेल मिलाप बढ़ाना शामिल है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 12 नए कोरोना संक्रमित मिले और वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 34 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया और सक्रिय मामलों की संख्या 349 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 19,534 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई और जबकि 6 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, टेरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। और उधर चमोली, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल और रुद्रप्रयाग में एक एक और देहरादून में 4 और पिथौरागढ़ में 3 संक्रमित मरीज मिले। और वहीं राज्य में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,151 हो गई है और इनमें से 3,29,361 लोग ठीक हो चुके हैं और राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,389 लोगों की जान जा चुकी है।